नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। कोई राजनेता होता है, नगर सेवक होता है, विधायक होता है, तब वो आम जनता के लिए काम करता है। जैसे ही नगर सेवक का समय सीमा समाप्त होता है, विधायक का समय सीमा समाप्त होता है, तो कहते हैं कि हम तो अब कुछ नहीं है, हम कैसे करें। लेकिन ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नवीन सिंह है। ये किसी पद पे नहीं है, कोई नेता नहीं है, बस एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है। लेकिन इन्हें पता है कि समाज ने इन्हें बहुत कुछ दिया है। इनका एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य रहता है कि मैं भी समाज को कुछ दे सकूं जितना हो सके। जो काम नगर सेवकों को करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, वो तो काफी दूर रह गया। लेकिन उनकी जगह पे नवीन सिंह आए दिन कोई ना कोई समाज सेवा करते हैं। चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे धार्मिक बात हो, चाहे नल कलेक्शन हो, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जितने भी सरकारी योजनाएं आते हैं ये लोगों तक पहुंचाते हैं। उनके पास अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं कि जिनका जिनका नहीं बना है, आप प्लीज हमारे जनसंपर्क कार्यालय पे आइए, हम आपको बना के देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तभी तो यहाँ पे अगर आप संडे सैटरडे आएंगे, यहाँ पे भीड़ रहती है, बाकी दिन भी लोग यहाँ पे आते हैं, अपना काम करा के जाते हैं। आइए बात करते हैं समाज सेवक नवीन सिंह से, वो हमें क्या जानकारी दे रहे हैं और इन विषयों को लेकर और आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नगर सेवक एक अलग कड़ी है और समाज सेवक एक अलग है। मैं विगत 3 वर्षों से कंटिन्यू सोशल वर्कर करते आ रहा हूं। जो भी जनता की समस्याएं होता है, मेरे पास आने के बाद मैं उसको तुरंत निदान करता हूं। आप आए दिन देख रहे हो कि कुछ न कुछ हमारी यूटिलिटी चालू रहता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चलता है। देखा जाए तो यहाँ की जो नगर सेवा है, जिनका 5 साल का पूरा हो गया है, वो सामाजिक कार्य या आम नागरिकों से काफी दूर है और आप उनसे नजदीक है। जब आप उनके पास जाते हैं, आप क्या प्रतिक्रिया रहता है? नहीं, न तो वो प्रतिक्रिया नगर सेवक करते हैं और नहीं मेरे को उनका प्रतिक्रिया प्रतिच्छेद करना है। देखिए, एक कहावत है कि कुआं के पास पानी जब रहता है तो लोग पीने के लिए कुआं के पास जाता है। तो ये सिद्ध करता है कि जो व्यक्ति काम करके देता है तो पब्लिक उसी के पास आता है। पब्लिक का काम करके देना तो प्रचार होता है कि नवीन सिंह के ऑफिस में जाने के बाद काम का गतिरोध तेज होता है और 1 वीक में रिजल्ट मिलता है। या वोटिंग कार्ड हो, या ज्योतिबा फुले हो, या सीनियर सिटीजन कार्ड हो, आए दिन यहाँ पर आप देख रहे। जब से हमारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार युति का लाली बहना का हुआ, आज लास्ट डेट था, आज भी 100 फॉर्म, कल से आज तक 100 फॉर्म फिलअप हुआ है गवर्नमेंट की आईडी से, और 395 लाली बहना हमारे वार्ड के यहां से फॉर्म भरे और सबके अकाउंट में पैसा आ गया टोटल। तो उन लोगों ने भी शुक्रिया अदा किए बाय फोन ऑफिस में आकर। तो इस तरह से हमारा समाज सेवक काम है, समाज का मैं काम करते रहता हूँ। देखिए, महानगर पालिका जब से बना, तो 7 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। जब पिछले चुनाव हुआ था तो एक बार महासभा में पास हुआ था और कचरे सूखा गीला और कचरा का डब्बा वितरित किया गया था। उसके बाद से आज 6 साल करीब हो गया, आज तक फंड आया नहीं। तो लोगों का कोई ऐसी सोसाइटी है जो अरे डब्बा नहीं आया कचरे का, तो मेरे पास बहुत सारे सोसाइटी का लेटर आके पड़ा हुआ था और विगत 2-4 महीना के बाद मैं वितरण करते रहता हूँ। अभी आप देखे होंगे कि पिछले 2-4 दिन पहले मैं वितरण किया था। इसके बाद और सारे बहने के लोग के भी कुछ आए दिन मैं इंटरटेनमेंट कार्यक्रम उनके लिए करता हूँ। तो जो समस्या आता है, जरूरी जो है वो तो करता ही हूँ, और सार्वजनिक जो समस्या रहता है वो भी करता हूँ। पानी का कनेक्शन हो, गार्डन में मिट्टी गाड़ना हो, ये सब मैं अपना निजी फंड से करता हूँ। और मैं विगत 3 साल पहले ही मैं अनाउंस किया हूँ कि अपना कमाई का 10% पब्लिक सेवा में लगाऊंगा। मैं नगर सेवक मेरा बनने की चाह नहीं है, हमारी अंदर का इच्छा समाज सेवा करना है। अगर मैं उसी समाज सेवा करते 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 हम भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े और भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है उसको हम अपनाएं। आज मोदी जी
जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं पूरा देश में, आप देखे होंगे स्वच्छ भारत बनाने का, तो कड़ी में मैं भी उनका अनुकरण करता हूँ। देखिए आम आदमी को कहने का मतलब ये है कि समाज सेवा तो है ही, एक समाज पब्लिक को काम करने के लिए एक पद होना बहुत कंपलसरी है। पद का एक गरिमा होता है और पद का एक पावर भी होता है जो यूटिलाइज, किसी किसी को पद मिलता है तो गलत तरीका से यूज करता है, किसी को पद मिलता है तो और समाज सेवा करने के मौका, महानगर पालिका हो पुलिस चौकी हो, पद अगर आपके पास रहेगा एक कॉल में काम होगा। आम पब्लिक अगर पुलिस चौकी में जाता है 4 घंटा बैठाया जाता है, वही किसी पद लेकर जाता है उसको सबसे पहले चेयर मिलता है। ठीक उसी प्रकार से महानगर पालिका, महानगर पालिका में जनरल पब्लिक धक्का मारते मारते थक जाता है, काम नहीं हो पाता है, एक पद वाला व्यक्ति जाता है उसका सबसे पहले फाइल ओपन होता है और काम होता है। लेकिन मैं इस तरह से व्यवहार बना के रखा हूं कि हमारा न तो पुलिस चौकी में काम रुकता है और न महानगर पालिका में काम रुकता हूं। आप पता लगा लीजिएगा कि हमारे वार्ड के बहुत सारे लोगों का टैक्स का प्रॉब्लम हुआ है, वो भी मेरे जाने के बाद तुरंत क्लियर होता है। पानी की समस्याओं का मैंने निदान किया है, जो मतलब जनता का हमारे पास कंप्लेन आया उसका निदान करना हमारा काम है और उसी का नाम नवीन सिंह है। ये स्लोगन जो है सो बहुत पहले ही हम लोगों ने लगा दिया था, जब हमारा प्रदेश उन पर विश्वास कर एक छोटी सी कार्यकर्ता को बड़ा पद जिला अध्यक्ष को दिया गया। और आप देखे होंगे कि मीरा भाईंदर का जो संगठन के थे वो अमान्य किए थे, अमान्य करते हुए भी रवि व्यास में ऐसा गुण और पावर था जो लोगों को दिल जीता और एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किए, जो प्रदेश तक के उनका नाम गूंज गया। और उस समय से जो एडवोकेट रवि व्यास जी हैं पीछे मुड़कर नहीं देखे हैं, इस तरह से सत्ता को लोग उनको भी नहीं है, वो हम अभी भी बार बार कहते हैं कि मैं कमल के साथ हूं, हमें टिकट जिसको भी मिलेगा मैं कमल को साथ दूंगा, समझ गए। तो रवि व्यास आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो युवा लोगों को ज्यादा प्रेरणा दे रहे हैं और रवि व्यास में गुण है एक स्वच्छ छवि का, ईमानदार ऑनेस्ट, जब से वो 15 साल पीछे से इतिहास है उनका एक भी करप्शन का नाम नहीं आया है। आए दिन आप देख रहे हैं बहुत सारे नेता को एक करप्शन किया, एयर लूटा, इतना महामारी किया, लेकिन ओनली फॉर रवि व्यास है, इसके लिए ये स्लोगन हुआ है मीरा भाईंदर का यास रवि व्यास। बस कुछ दिन बीता है, अब 15 दिन का खेल है, एमएलए बनाकर उनको विधानसभा में हम लोग भेजेंगे, ये 100% गारंटी है।